गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे वीडियो बनाई थी और हम विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक टुडे आल्सो। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। देन वी हैव डिस्कस्ड 5-year प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू हुई और कब तक चलीं, कौन कौन सी योजना का एम्फेसिस क्या रहा, ये हम लोगों ने कल अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ टुडे विल डिस्कस अप्रोच ऑफ प्लानिंग। टुडे विल डिस्कस इन अ वीडियो अबाउट द अप्रोचेस टू द प्लानिंग। Approaches about the planning. We have two approaches of plannings and they are sectoral planning. Sector के हिसाब से हम लोग जो planning करते हैं, sector के according areas को बांट लेते हैं, उसकी जो planning की जाती है, that is known as sectoral planning. Sector planning is concerned with the formulation and implementation of the sets of scheme are programs aimed at development of various sectors of the economy such as agriculture sector, irrigation sector, manufacturing sector, power sector, construction, transport, communication and so many sectors we have like service sectors etc. So is tarah ke sectors mein jo planning approach kaam karti hai उस प्लानिंग अप्रोच को हम लोग सेक्टरल प्लानिंग बोलते हैं। नाउ द अदर प्लानिंग इज रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग एम टू रिमूव रीजनल डिसपार्टीज विद रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। जो हमारे अलग अलग रीजन्स प्रदेश में जो हमारी असमानता हमें देखने को मिलती है, यानी कहीं तो डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल का है और कहीं हमारी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी हो रही हैं, बेसिक ज़रूरतों से भी लोग बचे में वंचित हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हर जगह हर सुविधा पहुंच सके, ऐसे में आपने देखा होगा जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो हमारे हिली एरियाज़ हैं या जो हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई एरियाज़ हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ जिनको बोलते हैं, ऐसे एरियाज़ में जो हमारी बेसिक नीड्स हैं हमारी, वो भी नहीं पहुंच पाती हैं, ऐसे में देश का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। तो इस संतुलित विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए रीजनल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट अप्रोच ऑफ प्लानिंग्स। वन इज़ सेक्टरल प्लानिंग एंड another one is regional planning. Now we start target area planning. We start with the target area planning. Now what is the target area? The planning processes has to take special care of economically backward areas. वो हमारे target areas होते हैं जो कि हमारे economically backward area हैं, उनको फोकस करने के लिए, उनको टारगेट करके जो हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी जो प्लानिंग कहलाती है वो हमारी टारगेट एरिया प्लानिंग कहलाती है। इसमें हमारे जो मेन टारगेट होते हैं, जो हमारा प्लानिंग कमीशन होता है, वो हमारे जैसे एरिया होते हैं जिनमें ड्रॉट प्रोन एरियाज आ जाते हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये वो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो कि पर्टिकुलर फोकस या टारगेट करके जिन पे प्लानिंग की जाती है। मान लीजिए किसी एरिया में किसी साल बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई या कहीं पे सूखा पड़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करेंगे कि यहाँ पे किन किन बेसिक चीज़ की ज़रूरत है,
तो उन चीज़ों को मुहैया कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। तो यानी कि हमारा जो पूरा प्लानिंग कमीशन का जो हमारा फोकस होना चाहिए, या जो हमारा प्लानिंग कमीशन का जो पूरा फोकस होगा वो उस पर्टिकुलर एरिया पे होगा, क्योंकि पूरी कंट्री को उस समय बाढ़ से बचाव की या सूखे से बचाव की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक जगह पे सफिशिएंट बारिश हो रही है और दूसरी जगह पे सूखा पड़ा है, तो हम लोगों को ऐसे एरिए पे फोकस पहले करना है कि वहाँ पीने के पानी, खाने की सुविधा, दवाइयों की, या बाढ़ आ जाती है, रहने की, खाने की। तो ये जो हम लोग एक फोकसिंग प्लानिंग है हमारी, वो हमारी टारगेट एरिया प्लानिंग कहलाती है। इन द 8th 5-year प्लान स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स वर डिज़ाइन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हिल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 8th 5-year प्लान में ऐसे ही हमारा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि स्पेशली हिली एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, ताकि जो एरिया पिछड़े हुए हैं, आज हिल एरियाज़ में बहुत से अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डॉक्टर को पहुँचने के लिए, या मेडिकल फैसिलिटीज़ आम जनता तक पहुँचने के लिए, या पेशेंट को डॉक्टर तक आने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है, क्योंकि पहाड़ से नीचे उतरेंगे, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ क्रॉस करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि वहाँ पे लोगों की जान को खतरा बना ही रहता है, जान की कोई कीमत रह ही नहीं जाती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए प्लानिंग कमीशन ने 8th ईयर जो हमारा 8th 5-year प्लान था, उसमें हमारे जो स्पेशल एरियाज थे उनको टिक किया गया, उनको टारगेट किया गया, और वहाँ पे जो हमारे हिली एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को शुरू किया गया। तो इसमें पहला है हमारा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 5th 5-year प्लान कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट। पहले उन्होंने 15 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया प्लानिंग कमीशन ने। जो हमारा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें केवल 15 डिस्ट्रिक्ट्स को ही कवर किया। इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे उत्तराखंड के थे, कुछ हमारे वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के आसपास के थे, कुछ हमारे तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स के आसपास के एरियाज़ थे। तो इस तरह से कुछ एरियाज़ को लिया गया और उन एरियाज़ के डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स सेट किए गए। द मेन ऑब्जेक्ट इज़ टू एक्सप्लॉयट लोकल रिसोर्स ऑफ द हिल एरियाज थ्रू द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, फॉरेस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ विलेजेस। तो इस तरह से जो गांव में ही रहकर गांव के लोगों को उनका हॉर्टिकल्चर, उनका प्लांटेशन, उनका एग्रीकल्चर, उनका एनिमल हस्बेंड्री, इन सारे सॉइल कंजर्वेशन, इन सब के लिए जो सूटेबल प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी दी गई, और इस चीज़ पे फोकस किया गया कि जो हिल एरियाज़ के लोग हैं वो पर्टिकुलर अपने एरिया में ही रह के अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को चलाने में जो नॉर्मल लोग हैं उनकी भी हेल्प कर सके, ताकि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे सके। इसी तरह से हमारे ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम थे। जो हमारे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं वो बेसिकली हमारे कौन से आते हैं? ड्रॉट प्रोन एरियाज वही हमारे एरियाज हैं, जैसे हमारा राजस्थान का हो गया, आपका गुजरात का हो गया, और वेस्टर्न पार्ट हमारा थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हो गया। तो इनमें अक्सर हमारे जो ड्रॉट हैं वो आते रहते हैं। तो इन एरियाज़ में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लगाना, कि क्योंकि हमें पता है कि जल्दी जल्दी यहाँ पे ये आते रहते हैं ड्रॉट, ये इन एरियाज़ में सूखा पड़ता ही रहता है। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एफॉरेस्टेशन, ग्रास लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को चालू किया गया, ताकि
इन एरियाज में भी अपना प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके. सो रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.